दुनिया में साइंस कहां तक पहुंच चुकी है इस बात का शायद ही अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि विज्ञान ने अपने पैर ऐसी ऐसी जगह पसार लिए हैं जहां तक शायद ही किसी ने इस बारे में पहले कभी सोचा होगा। हाल ही में भारत में एक ट्रांसजेंडर पुरुष ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। ये अचीवमेंट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं बल्कि कोझिकोड के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने हासिल की है। हालांकि इस खबर के बाद काफी लोगों के दिमाग में एक सवाल भी चल रहा है कि क्या वाकई ये संभव है कि कोई मर्द ट्रांसजेंडर प्रेग्नेंट हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इस ट्रांस कपल ने बच्चे को जन्म दिया है। हाई लिटरेसी रेट को लेकर मशहूर केरल में ट्रांस कपल ने सिजेरियन सेक्शन के माध्यम से बच्चे को जन्म दिया है। खास बात ये है कि इस केस में माँ ने नहीं बल्कि पिता ने नन्हे बच्चे को जन्म दिया है। इस खबर के बाद से ही हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। लोग ये जानना चाहते हैं कि यह आखिर कैसे संभव हुआ। दरअसल जिया और जहद की मुलाकात 3 साल पहले केरल के कोझिकोड शहर में हुई और देखते ही देखते उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला लिया। जिया जहद से मिलने के बाद जिया ने अपना जेंडर बदलवाने के बारे में सोचा और इसके बाद वो लड़की से लड़का बन गया। वही जहद भी लड़की से लड़का बन गया, लेकिन लड़का बनने के बाद अब जहद ने नन्ही जान को जन्म दिया है। बच्चे को जन्म देने के बाद जहद की खुशी का ठिकाना नहीं है। बच्चे के आने से मानो उनका परिवार पूरा हो गया है। वहीं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी अपने लिए इसे उम्मीद की किरण के रूप में देख रही है। उनका मानना है कि किन्नर समाज शुरू से ही एक ऐसे डर में जीता है जिसे शायद ही बताया जा सके। ऐसे कई ट्रांस पुरुष या महिलाएं हैं जो माता पिता बनने का सपना देखते हैं, लेकिन अपमान के डर की वजह से आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाते हैं। ट्रांस कपल के माता पिता बनने के बाद से ही पूरे देश में लोग इस खबर को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके पास भी ये खबर पहुंच रही है। सभी लोग दोनों को बधाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर कपल को शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ ही कुछ लोग इस बात से भी खुश हैं कि भारत में अब तक ये पहला केस है। हालांकि भारत साइंस एंड टेक के मामले में वैसे भी काफी आगे बढ़ रहा है।